अगर बात मुख्यमंत्री की करें तो वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीबीआई पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोहरे झटके का सामना कर रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पार्टी आला कमान से मुलाकात की। वीरभद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच 45 मिनट तक मुलाकात चली। बताया जा रहा है कि इस दौरान सूबे में कांग्रेस संगठन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर भी बातचीत हुई, जिसे लेकर वीरभद्र सिंह का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां वित्त मंत्री अरुण जेटली के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया। और जितनी भी हमारी एजेंसीज है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो भारी दबाव के अंदर है श्री अरुण जेटली के, और एक किस्म से वो मेरे खिलाफ प्रतिशोध की तरह इधर है। वीरभद्र सिंह का दावा है कि सीबीआई ने सिर्फ आरोप पत्र दायर किया है, वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। गैर कानूनी काम नहीं किया है और मुझे राजनीति में 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई है और ये पहली दफ़ा हुआ है। और जो मेरे ऊपर जो है, मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे वीरभद्र सिंह की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है, जबकि सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं ईडी ने दिल्ली स्थित उनके करोड़ों रुपए के फार्म हाउस को हाल ही में अटैच किया है, जिसके बाद विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया।